गमला चोरी मनमोहन यादव अरेस्ट, फिर यूट्यूबर एल्विश यादव पर क्यों लग रहे हैं आरोप। नमस्कार दोस्तों, मैं काजल आपका स्वागत करती हूं ट्रिगर न्यूज पर। गुरुग्राम में गमला चोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं हरियाणा पुलिस ने मनमोहन यादव नाम के व्यक्ति को गमला चोरी के अरेस्ट किया है, लेकिन सोशल मीडिया पर चर्चित यूट्यूबर एल्विश यादव को लोग निशाना बना रहे हैं। लोग फोटो और वीडियो शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि जिस कार से गमले चोरी किए गए वो एल्विश यादव की थी या वो इस्तेमाल करते थे। वायरल वीडियो में कुछ लोगों को गमले चुराकर गाड़ी में रखते हुए देखा जा रहा है। ये गमले G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर यहाँ की सजावट के लिए लाए गए थे। सोशल मीडिया पर लोग मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव को गमला चोर बोलकर धड़ल्ले से ट्वीट कर रहे हैं। इनका कहना है कि जिस लग्जरी गाड़ी का इस्तेमाल चुराने के लिए किया गया था वो एल्विश की है। दूसरी तरफ एल्विश ने ट्वीट कर इन आरोपों से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि उनके बारे में फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं। बता दें, सोशल मीडिया पर लोग गमला चोरी की वीडियो के साथ ही एक तस्वीर भी शेयर कर रहे हैं। इस तस्वीर में एल्विश दिख रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ये बीते साल की है जब एल्विश राजस्थान के तिजारा पहुंचे थे। सोशल मीडिया पर लोग दावा कर रहे हैं कि जिस गाड़ी में वो पहुंचे थे वही नंबर प्लेट वाली गाड़ी गमला चोरी की वीडियो में दिखाई दे रही है। नितिश भारद्वाज नाम के यूजर ने कहा है कि गुरुग्राम में G20 के सम्मेलन में लाए गए फूलों के गमले यूट्यूबर एल्विश यादव की कार से चोरी किए गए थे। उन्होंने गमला चोरी का वीडियो और एक तस्वीर भी शेयर की है। एडम नाम के यूजर ने दो तस्वीरें शेयर की है। इसमें एक तस्वीर गमले चोरी के बाद गाड़ी की डिग्गी बंद किए जाने की है और दूसरी एल्विश यादव की बताई जा रही है। वाइस ओ सीरियस नाम के अकाउंट से ट्वीट किया गया है, कोई भी ये पुष्टि कर सकता है कि एल्विश गमला चोर है। यूट्यूब पर जाएं और एल्विश यादव व्लॉग सर्च करें जिसमें मीटअप इन तिजारा लिखा है, फिर उसमें 256 मिनट वाले टाइम पर जाएं, बिल्कुल यही नंबर प्लेट नजर आएगी। एल्विश यादव वीडियो बनाते हैं, उनकी शॉर्ट फिल्म यूट्यूब पर अक्सर ट्रेंड करती है। बता दें, वो यूट्यूब और एक्टर होने के साथ ही एक एनजीओ भी चलाते हैं जिसका नाम है एल्विश यादव फाउंडेशन। वहीं इस मामले में एल्विश यादव ने 28 फरवरी की रात सफाई देते हुए कई ट्वीट किए। उन्होंने कई लोगों को मानहानि का मुकदमा करने की चेतावनी भी दे डाली। उन्होंने कहा कि ये मेरी कार नहीं है, मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि मुझे लेकर झूठी जानकारी ना फैलाएं। मैं उन लोगों पर मुकदमा कर रहा हूं जो मेरे बारे में गलत जानकारी फैला रहे हैं। एक और ट्वीट में उन्होंने कहा कि सिर्फ इसीलिए कि मुझे एक बार कार में देखा गया था इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसका मालिक हूँ। कुछ गंदी सोच जिन्हें झूठी कहानी गढ़ने की आदत है वो एक बार फिर अपने बिलों में एक गढ़ी हुई कहानी लेकर बाहर आ गए हैं। मुझे भूल जाओ, वो देश या पीएम को भी नहीं छोड़ते, आप उनसे इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं कर सकते। एल्विश यादव ने खुद पर आरोप लगा रहे लोगों को भी जवाब दिए। एक यूजर ने राजस्थान वाली वीडियो का स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें गाड़ी की नंबर प्लेट दिख रही है। इस पर कमेंट करते हुए एल्विश ने कहा कि भाई तैयार हो जाओ, पैसा लेकर मानहानि का केस करूंगा, तेरा घर जाएगा इसमें। एक अन्य यूजर ने स्क्रीनशॉट शेयर किया। इसके जवाब में एल्विश ने कहा, ये पॉकीमॉन जैसे नाम वाले डॉक्टर इतने खाली बैठे हैं, इनको कोई परिवहन ऐप चलाना सिखाओ और इसकी डिग्री चेक करो। एल्विश, ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।